खबर लखनऊ से, जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिलाधिकारी ने खबर का लिया है संज्ञान। जिलाधिकारी ने डायरिया प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है। प्रभावित क्षेत्र में गंदगी को देख जिलाधिकारी हुए हैं नाराज। जिलाधिकारी ने लिया है खबर का संज्ञान। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिलाधिकारी ने डायरिया प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है। नगर निगम के जोनल कर्मचारियों को लगाई है फटकार। मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्षेत्रीय विधायक नीरज बोरा मौजूद रहे अलीगंज के। फतेहपुरवा में फैला है संक्रमण। मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्षेत्रीय विधायक नीरज बोरा मौजूद रहे। के न्यूज की खबर का बड़ा असर। अलीगंज के फतेहपुरवा में फैला है संक्रमण। जिलाधिकारी ने डायरिया प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने डायरिया प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है। प्रभावित क्षेत्र में गंदगी को देख जिलाधिकारी हुए हैं नाराज। कल 40 लोग डायरिया से ग्रसित हुए और 13 लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 40 लोग डायरिया से ग्रसित हुए हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है सफी? बिल्कुल, देखिए के न्यूज की खबर का ये असर है क्योंकि के न्यूज पर खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी। उसके बाद लखनऊ के जिला अधिकारी ने संज्ञान लिया है और जहां पर जो प्रभावित क्षेत्र बताया जा रहा है डायरिया से जो प्रभावित है, जहां पर लगभग 40 लोग डायरिया से बीमार पड़े हुए हैं और 13 लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया पड़ा है, वहां पर आज जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और खुद वहां का निरीक्षण करने गए हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जो वो क्षेत्र विधायक के साथ मौजूद था और फटकार लगाई है और साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से ये काम चल रहा है ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और अगर जहां भी गंदगी देखी है वहां पर फटकार लगाई है और इसको दुरुस्त करने की सलाह दी है। जी, तो प्रभावित क्षेत्र में गंदगी को देख जिलाधिकारी नाराज हुए हैं। अलीगंज के फतेहपुरवा में फैला है संक्रमण। सफी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर के बाद जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान। जिलाधिकारी ने डायरिया प्रभावित क्षेत्र को किया स्थानीय अस्पताल में कराया गया है भर्ती। डायरिया से ग्रसित है 13 लोग जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।